चल रहे गाने, हम लोग कर रहे हैं डांस। वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग्स चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और टीवी की आवाज कम करके आओ बेटा। तो आज गणेश चतुर्थी का आठवां दिन है शायद, मे भी आठवां दिन है। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, चार पांच दिन का ही मैंने शूट किया था जैसे कि आपको पता है। तो आज मतलब मॉर्निंग का टाइम है, अभी हो चुका है 11:30। तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, सारा काम मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ मुझे सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, वो लेट बनानी है क्योंकि हस्बैंड की है मॉर्निंग ड्यूटी। तो अब पूजा करने जा रहे हैं मैं और अदिति। तो स्टार्ट करते हैं पूजा। मंदिर को मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ उसी टाइम पर जो मंदिर है उसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ क्लीन। तो अभी सारा काम रेडी हो चुका है आज भोग लगाने के लिए। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, शाम को सोच रही हूँ जलेबी बनाऊंगी। तो सोच रही हूँ कि घर पे थोड़ा सा पेड़ा रखा है, मतलब थोड़ा सा नहीं पेड़ा रखा है और आइसक्रीम रखी है। तो आज मैं आइसक्रीम और पेड़े की ही भूख लगाने वाली हूँ। और भगवान जी को बहुत जोर से भूख लग रही होगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। आज मैंने मतलब घर में ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग की है, डस्टिंग की थी और टॉयलेट वगैरह मतलब जो बाथरूम थी उसको क्लीन किया था, बच्चों को नहलाया क्योंकि आज हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी, वो सुबह जल्दी निकल गए थे। तो इसलिए तो करते हैं पूजा स्टार्ट, उसके बाद में करेंगे बात। और अदिति हो चुकी है स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं निकालूँ फ्रिज में से आइसक्रीम और पेड़ा। एक आइसक्रीम हमारे लिए भी छोड़ देना, शाम को खाई तो सही। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया भगवान जी के लिए आइसक्रीम और इसी में मैंने रख दिया है पेड़ा। तो चलते हैं करते हैं पूजा स्टार्ट। तो आज मैंने फिर से डाल ली ये वाली साड़ी क्योंकि ये रखी हुई थी यहीं पे बाहर। आज मैंने इसको दूसरे ब्लाउज के साथ डाला है, उस वाले के साथ नहीं डाला है। और उसके साथ डाली ये कांच वाली चूड़ियां जो कि शाइनिंग वाली है थोड़ी सी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, काफी दिन से रखी हुई थी कुछ भी काम में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा एक दो बार पहन के फिर इनको मैं फेंक दूंगी, कुछ भी काम में नहीं आएगी क्योंकि कांच वाली हमारे यहाँ पे पहनते नहीं है ज्यादा। बट मेरा मन किया जब मैं बहुत दिन पहले उस वाले मकान पे रहती तब मैंने ली थी, चार पांच साल से रखी हुई है मेरे पास। तो मेरी साड़ी तो मेरे को ज्यादा कैरी करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है पहनना, रोज तो कौन पहनता है। तो अच्छी लग रही है ना साड़ी, बताना कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक है? और 200 रुपए की साड़ी है सिर्फ, बट बहुत प्यारी है। मैं बाहर जाके दिखाऊंगी, यहाँ पे रियल कलर नहीं दिख रहा है। पानी डाला है इसमें, आप अपन नीचे से लेंगे क्योंकि ऊपर से पानी पड़ना है इसका। तो ये वाला जो मटका है ये मैंने लिया था, मतलब यहीं से एक बेचने वाली आंटी आई थी उससे लिया था, सिर्फ 50 रुपए में। बहुत ही प्यारा सा मटका है, शक्कर वाला जो मटका आता है ना वो वाला मटका है ये, इस तरीके से मंडा हुआ है पूरा का पूरा इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे भगवान जी जहाँ पे भी भगवान जी है मेरे घर पे उन पे सब पे मैं थोड़े थोड़े करके एक एक करके पुराने वाले जो फ्लावर थे वो मैंने निकाल दिए हैं और जो न्यू वाले हैं वो मैं लगा रही हूँ अभी पूजा करने से पहले ही। तो अच्छे से डेकोरेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर फूलों में से जो खुशबू आती है उसको लेके, और दूसरी बात इनको देख के भी बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है फ्लावर्स वगैरह को देख के। तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले मैं फ्लावर लगा दूँ ताकि थोड़ा सा इसका जो मंदिर का जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दो कलर के फूल ला रखे हैं, यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ ये 20 रुपए के हैं, काफ़ी सस्ते फ्लावर मिल जाते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 20 रुपए के लेके आए थे दोनों, 10-10 रुपए के, जो कि काफ़ी हद तक ज़्यादा थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो अभी करते हैं पूजा स्टार्ट, उसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे भोग भगवान जी को क्योंकि काफ़ी देर हो गई है भोग लगाने में और भगवान जी आज खुश हो जाएंगे, उनका तन मन धन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा क्योंकि आज हम आइसक्रीम और पेड़ा खिला रहे हैं उनको। और यहाँ पर जो मेरे पहले परमानेंट जो भगवान जी है उनको भी मैं भोग लगा दूंगी। तो यहाँ पे गन्नू भगवान जी की जो है हमारे की पूजा हो चुकी है अच्छे से, और आज गन्नू भगवान ने आइसक्रीम खाई है और क्या बोलते हैं वो पेड़ा खाया है। पेड़ा तो रोज ही खाते हैं, आइसक्रीम आज पहली बार दी है मैंने 8 दिन में, 8 दिन के हो चुके हैं शायद गणेश जी भगवान, नहीं 7 दिन के हुए हैं, 8वें दिन 9वें दिन मैं जाऊंगी विसर्जित करने के लिए। तो हमारी पूजा हो चुकी है, पूजा आप भी इंजॉय कर लीजिए और प्रसाद तो चलो मैं आप लोगों के लिए भी दे देती हूँ के लिए, तो आप लोग प्रसाद तो ले ही लीजिए।
ये रहा। और भगवान आपके घर में सुख शांति बनाए रखे, समृद्धि बनाए रखे, सब कुछ दे जो आप लोगों को चाहिए, वो अच्छी चीजें सब कुछ दे और सबको खुश रखे। ये देखो भोग लेने के लिए ये लोग यहीं खड़े रहते हैं दोनों बंदर। ये देखो तो ये ले लेते हैं जो भोग लगाते हैं भगवान जी के, वही भोग अदिति और नन्नू खाती है। तो यहाँ पे हो चुका है मेरी पूजा अच्छे से। और देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर चढ़ाए आज मैंने। ये पहला मम्मी जब भी आप पूजा स्टार्ट करते हो तो पहले तो बोलते हो बच्चों की तरह, और जब पूरा लास्ट में खत्म करते हो जब तो बोलते हो बड़े इंसान की तरह। अच्छा जी बस, तो चलो ठीक है ले लो आपके आइसक्रीम और वो ले लो। ननू गिरेगा, ये देखो ननू को ये कपड़े की सामान किसने फैलाए। अभी हमारी सब्जी जो है वो तो यहाँ पे बन रही है आलू गोभी मटर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी वाली यम्मी वाली। किस किस को खानी है आ सकते हैं खाने के लिए। और हाँ, मैंने लाल मिर्च उबाल के फिर उसको अच्छे से पीस के उसके बाद में बनाई है, मतलब जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना ये वाली, हाँ इनको भिगो के पहले गर्म पानी में उसके बाद में पीस के बनाई, तो मस्त वाली सब्जी बनेगी। क्योंकि पहले बनाई थी मैंने कल परसों इसमें सादी सब्जी, वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो अभी चलते हैं रूम में क्योंकि पसीने इतने ज्यादा आ गए, गर्मी पड़ रही है यहाँ पे भयंकर वाली। और अब की बार ये स्टैंड लेके आई हूँ मैं राजकुमारी दीदी के यहाँ से, काफी मतलब कंफर्टेबल है यार, बहुत अच्छा है सच्ची में, छोटा सा है पहली बार, तो कहीं भी रख के लेके जा सकते हो पर्स में। ये शायद उनकी गाड़ी का स्टैंड था पर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि अदिति भी इससे क्लास ले लेती है। और दूसरी बात है ना यार, मतलब इसमें ना छोटा सा है तो कंफर्टेबल है ले जाने करने में, और दूसरी बात कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, ये मुझे सबसे अच्छी लगी। स्टैंड तो मेरे पास एक और है बड़ा वाला, पर चक्कर ये है कि उसको थोड़ा सा लेके जाने में और ऊपर रखा है वहाँ पे, लेके जाने में, खोलने में, उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें नहीं आती बिल्कुल। ये बहुत इजी है बहुत ज़्यादा, अगर किसी को लेना है तो ऐसा ले सकते हैं। तो आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में, मंदिर की लाइट वगैरह बंद कर दी क्योंकि भगवान जी कर रहे हैं रेस्ट, भोग वगैरह उनका लग चुका है। और दीपक गया, दीपक दीपक रुक 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 हट जा। और दीपक बुझने ही वाला था वैसे ही, मेरे को पता लग गया अब, अच्छा हुआ नहीं बुझा क्योंकि वो जोत जल रही है। तो सब्जी को देख लो पहले एक बार नहीं तो लग जाएगी। आप क्यों घूम रहे हो मेरे पीछे पीछे, सुबह आइसक्रीम खाई है आपने, शाम को आइसक्रीम खाई है आपने, पापा जाएंगे जब आइसक्रीम मिलेगी तो गला पता है क्यों मम्मी ने तो क्या किया, मिठाई आइसक्रीम रख ली तो वो भगवान जी यहाँ पे लग गए आइसक्रीम के, आइसक्रीम तो पूरी निकल गई मिठाई रह गई, और मम्मी ने हमारी सब्जी वो हो चुकी है बनके तैयार। अब इसको दो तरह की बनाऊंगी, आधी रखूंगी इसमें से सूखी और आधी में डालूंगी पानी क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली पसंद है और पापा को, अदिति की जो पापा है उनको पसंद है सूखी सब्जी। हेलो जी, हाय जी। और अभी हम लोग खाना खाने के बाद आ चुके हैं रसोई में, और अभी टाइम हो रहा है शायद 2 बज चुकी है मुझे फिक्स तो पता नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं जलेबी का बैटर तैयार करने के लिए क्योंकि शाम को बनेंगी जलेबी भोग में। और ये दही बिल्कुल ठंडा है क्योंकि फ्रिज में ज्यादा से ज्यादा लगे, उसके लिए चाहिएगा गर्म पानी, तो मैंने एक साइड गर्म पानी रख दिया है, हल्का सा गुनगुना चाहिए, मतलब ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। तो एक कटोरी ले लिया है मैंने मैदा, उसमें डालूंगी मैं 1/2 कटोरी दही, और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें फूड कलर। हाँ। तो यहाँ पे अभी रुको देती, यहाँ पे मैंने दही और मैदा मिक्स कर लिया है, तो मिक्स करने के बाद में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी, और इसको करेंगे एक ही साइड घुमाना है। एक मिनट, जब पहले मैं इसको घोल दूँ उसके बाद में आप घुमाना। तो इसको मुझे चाहिए था थोड़ा सा कम, बट ये बहुत ज्यादा बैटर बन चुका है, पर कोई बात नहीं किसी को बांट देंगे। अभी मम्मी तो घड़ी है मेरी, तो पैक कर लेती।
और जैसे ही हम लोग बाहर निकले, इतनी ज़्यादा बरसात हो रही थी, बहुत भयंकर वाली, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इसको। बिट्टू आप किसी दिन भगवान करना, छम छम करना, यही कर लो। और हम लोग आए हैं हॉस्पिटल की साइड कुछ काम से, और मुझे भी यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर दिख रहा है, देखो कितना प्यारा है ना। बरसात तो ये तो इसमें से पानी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ले सिर में लगा लेना ना दीदी के। रुको रुक, एक मिनट रुको, दे रही हूँ रुक जा। दीदी अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है दीदी फ्लावर? क्यों पड़ी तेरे पता है? इधर 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 ऐसे दिखा, फूल दिखा, फूल अब कहाँ दिखा रही है? हाँ गधी। इधर फूल है, देखा 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 देखा, जल्दी से पापा को देखे, पापा पापा जी। कैसे हो आप सब लोग? अब अभी हो चुका है शाम का टाइम, दिया बत्ती कर दी है, है? मैं दूंगा। तो पूजा वगैरह हो चुकी है हमारी, और इधर की साइड भी हो चुकी है, जलेबी का भोग लग चुका है, बाकी की मैं बना रही हूँ। और कुछ जलेबी हस्बैंड गए हैं उनके दोस्तों के पास, तो वहाँ पे लेके चले गए, और मैं बना रही हूँ। इसमें भर लिया मैंने, सॉस की बोतल रखी थी मेरे पास, तो मैंने सॉस की बोतल में इसको भर दिया। इससे बना के दिखाऊंगी आपको, और जो बन गई उनको बता देती हूँ। पहले बैक कैमरे से दिखाओ। मेरी जलेबी जो है वो अच्छी खासी बन के हो चुकी है रेडी, गर्मा गर्म। और अभी मैं इधर बनाऊंगी, इधर बनाई नहीं है मैंने अभी, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक बार, देखो। जरूर बताना है आपको, छुपाना नहीं है कि किस किस के मुंह में जलेबियों को देख के मुंह में पानी आया है और कैसी बनी है, वो तो आपको ही डिसाइड करना है देखने में। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कैसी बनी है। जलेबियां हैं वो बन के तैयार हो चुकी है, एकदम मस्त मस्त वाली, आप देख सकते हो कितनी यम्मी और टेस्टी बनी है। कुछ अभी इसमें है जिनमें अभी मतलब शुगर सिरप होना बाकी है, तो मैंने इसी में डाल के रखा है इनको। और ये वाला जो है वो बच चुका है, तो इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी, और इसकी मैं सुबह बनाऊंगी मॉर्निंग में, क्योंकि अभी तो कोई खाने वाला है नहीं है, तो मैं सुबह गरम गरम ही उतार के और गरम गरम ही बना लूंगी, और इसमें खराब भी नहीं होगा, बैटर भी खराब नहीं होगा। तो इसको रख देते हैं, इसको रख दिया मैंने यहाँ पे, सुबह यूज करूंगी इसको, और दिया बत्ती कर दिया। आप शाम की आरती देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ना, ये देखो, दर्शन कर लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लो। अब भूख लगा दी, यहाँ से अदिति और नन्नू ने गायब भी कर दी जलेबियाँ, तो मतलब यहाँ से जलेबी नहीं ली उन दोनों ने, और जो मंदिर में रखी थी ना वो पूरी जलेबी उन्होंने वहां से गायब कर दी। गणेश जी के लिए एक जलेबी छोड़ी है, साथ के साथ हम सब्जी वगैरह लेने चले गए थे अभी बाहर, तो सब्जी वगैरह लेके आए हैं। इनको करना मतलब क्लीन तो हो गई है, रखनी है इनको, मतलब भी गीली है थोड़ी सी, सूख जाएगी, उसके बाद इनको फ्रिज में रखना है। और मूंगफली लेके आए थे, ये भी मूंगफली, मिर्ची लेके आए थे, सब्जी लेके आए थे, वही खाने पीने का सामान वगैरह लेके आए, दूध लेके आए हैं। तो अभी मैंने गैस को तो कर दिया है ऑफ, क्योंकि इतनी जलेबी, इतनी सारी जलेबियां बन चुकी है ऑलरेडी, तो खाने वाला तो कोई है नहीं है, क्योंकि हस्बैंड चले गए उनके फ्रेंड के यहाँ पे, और वो भी लेके चले गए वहां पे खाने के लिए सबके लिए। तो इनको मैं निकाल दूं, उसके बाद में मिलूंगी आप लोगों से। ओके, खा ले, कैसी लगी, कैसी लगी जलेबी बताओ? अम्मी लगी, लहा साफ करो इधर आ, पहले बताओ कैसी लगी जलेबी, कैसी लगी अम्मी? वाह, बता बता मुंह बता, वेरी गुड नन्ना, और दो हाथ धुलाऊं, लब धुलाऊं। तो अब भी हो चुका है ऑलमोस्ट सारा काम खत्म, और अब इतना थक चुकी हूँ मैं, साड़ी साड़ी में ये वाली साड़ी पहनी थी मैंने, इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मैं सोच रही हूँ उसको चेंज कर लूँ और आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं पर एंड करूँ। और ये साड़ी मैंने 200 रुपए की करौली से ली थी, बहुत अच्छी निकली, सिर्फ 200 रुपए की।